नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो 11 मार्च का दिन आपका कैसा रहने वाला है ये जानेंगे और शुरुआत मेष राशि के साथ करेंगे। यदि किसी लक्ष्य को पहले निर्धारित किया था लेकिन अभी तक उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो दिन उसके लिए उपयुक्त रहेगा, इसलिए जो भी सोच रहे हैं उसे शुरू कर दें। अब चलिए मेष राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 3 है, लकी कलर आपका आसमानी है। लकी नंबर और कलर के बाद बात वृष राशि की करेंगे। ज्यादातर समय खेलकूद में व्यतीत होगी। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो उसमें अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है जो मन को आनंदित करेगा। वृष राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 9 है, लकी कलर आपका संतरी है। वृष के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। शादीशुदा जातकों के लिए दिन शुभ रहेगा। आपका अपने साथी के साथ कहीं आसपास घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 7 होगा, लकी कलर आपका हरा होगा। और मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की और जानेंगे 11 मार्च का दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों को किसी ऐसे मित्र से मार्गदर्शन मिलेगा जिससे उन्हें आशा नहीं होगी, या आपके भाई या बहन का मित्र भी हो सकता है, हालांकि ये राय आपके बहुत काम आएगी। कर्क राशि वाले जातकों का लकी नंबर 8 है, लकी कलर आपका श्वेत है। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। पारिवारिक व्यवहार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत है। कुछ नए समझौते हो सकते हैं। घर के सदस्य आपको लेकर प्रसन्न दिखाई देंगे। भाई या बहन में से किसी एक का साथ आपको अपने काम में मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 1 है, लकी कलर आपका स्लेटी है। और लकी नंबर और कलर के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए इम्यूनिटी मजबूत करने वाली चीजों का सेवन करें, इससे आपकी तबीयत ठीक रहेगी। कन्या राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 6 है, लकी कलर आपका केसरी है। लकी नंबर और कलर के बाद बात करेंगे तुला राशि की और जानेंगे 11 मार्च का दिन तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। घर में किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावना है। ऐसे में बड़ों बुजुर्गों के हस्तक्षेप से स्थिति संभल तो जाएगी लेकिन मन में कटुता का भाव बना रहेगा। तुला राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 4 है, लकी कलर आपका नीला है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सोशल मीडिया पर किसी मित्र के साथ कहासुनी हो सकती है और बातों ही बातों में बात बढ़ भी सकती है, इसलिए हमारी सलाह यही है कि बात बढ़ने से पहले ही उसे संभाल लेंगे तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 8 है, लकी कलर आपका पीला है। और वृश्चिक राशि के बाद बात करेंगे धनु राशि की। माता पिता को लेकर भावुक हो सकते हैं और उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास किया जा सकता है। आपका माता पिता के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। धनु राशि वाले जातकों का लकी नंबर 1 है, लकी कलर आपका गुलाबी है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे 11 मार्च का दिन मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सुबह के समय सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। जो अस्थमा के रोगी है वे भी अपना विशेष ध्यान रखें। घर में छोटे मोटे फंक्शन आयोजित हो सकता है जिसमें सभी का सहभागिता होगा। मकर राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 4 है, लकी कलर आपका भूरा है। और मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ अड़चन आएगी, ऐसे में संयम से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। सभी के बीच आपसी सहयोग में वृद्धि देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 2 है, लकी कलर आपका ग्रे है। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके परिवार वाले आपको समझने में असक्षम है, जिसके कारण मन में उदासी का भाव आ सकता है। ऐसे में किसी भी प्रकार के बुरे ख्याल को मन में ना आने दें। मीन राशि वाले जातकों का लकी नंबर और कलर जान लेते हैं। आपका लकी नंबर 5 है, लकी कलर आपका मेहरून है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।